जिस अजय मिश्रा टैनी ने लखीमपुर खीरी में चार किसानों और एक पत्रकार को अपनी गाड़ियों के नीचे रौंद दिया, उसको दोबारा से टिकट दी जाती है। और हैरानी नहीं होनी चाहिए, हो सकता है कि 2024 नहीं तो 2029 और 2029 नहीं तो 2034 में ये भाजपा वाले आगे चुनाव की टिकट उस ड्यूटी मजिस्ट्रेट उस अधिकारी को भी दे सकते हैं जिसने 21 तारीख को खनौरी बॉर्डर पे गोलियां चलवा के हमारे भाई शहीद शुभकरण सिंह को शहीद किया। ये इतने बेशरम लोग आज सत्ता में बैठे हैं। सरकार को यदि कोई वहम है तो सरकार अपना वहम निकाल दे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की रहनुमाई में इस अंतिम अरदास में शामिल भारत के कोने कोने से आए हुए किसान भाइयों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवानों, सबसे पहले आपको हरियाणा की धरती से हाथ जोड़ के राम राम। 21 तारीख को हमारे भाई शहीद शुभकरण सिंह जी को हमारी आंखों के सामने उनको गोली मारी गई और जब उनको फर्स्ट एड के लिए, मेडिकल एड के लिए लेके आया गया मेडिकल कैंप में, तो मैं और लखविंदर सिंह औलक जी हम वहीं खड़े थे। हमारे हाथों में से वो भाई आगे गए। कभी जीवन में सोचा नहीं था कि हमारे इस आजाद मुल्क में दोबारा से जलियांवाला बाग कांड अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। कभी सोचा नहीं था कि जनरल डायर कोई दोबारा देखने को मिलेगा। जिस जलियांवाला बाग कांड के बारे में, जिस जनरल डायर के बारे में पढ़ते थे और सुनते थे, 21 तारीख को खनौरी बॉर्डर पे अपनी आंखों से भी वो देख लिया, ये कभी उम्मीद नहीं करी थी। आज भी हमारे भाई शहीद शुभकरण सिंह जी की वो तस्वीर आंखों के सामने से हटती नहीं है। वो उनकी मुड़ी हुई गर्दन और वो कुछ हाथ भी नहीं हिला रहे थे, आज भी वो आंखों के सामने रहती है। साथियों, ये सरकार हमारी मांगे तो पूरी कर ही नहीं रही। 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, सरकार हमारे जड़े पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। जिस अजय मिश्रा टैनी ने लखीमपुर खीरी में चार किसानों और एक पत्रकार को अपनी गाड़ियों के नीचे रौंद दिया, उसको दोबारा से टिकट दी जाती है। और हैरानी नहीं होनी चाहिए, हो सकता है कि 2024 नहीं तो 2029 और 2029 नहीं तो 2034 में ये भाजपा वाले आगे चुनाव की टिकट उस ड्यूटी मजिस्ट्रेट उस अधिकारी को भी दे सकते हैं जिसने 21 तारीख को खनौरी बॉर्डर पे गोलियां चलवा के हमारे भाई शहीद शुभकरण सिंह को शहीद किया। ये इतने बेशरम लोग आज सत्ता में बैठे हैं। सरकार को यदि कोई वहम है तो सरकार अपना वहम निकाल दे। आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा, देश के कोने कोने तक आंदोलन लेके जाएंगे और चाहे 2024 के चुनाव की आचार संहिता लग जाए, चाहे 2029 के चुनाव की आचार संहिता लग जाए, चाहे 2034 के चुनाव की आचार संहिता लग जाए, जिन मांगों को पूरा कराने के लिए हमारे भाई शुभकरण सिंह ने अपनी कुर्बानी दी है, उन मांगों को पूरा कराने के लिए यह मोर्चा जारी रहेगा, शरीर के अंतिम सांस तक जारी रहेगा। मोर्चा खत्म तभी होगा, मोर्चा खत्म तभी होगा जब हमारी 12 की 12 मांगे पूरी करी जाएंगी, उससे पहले मोर्चा जारी रहेगा, मोर्चा चालू रहेगा। और अंत में उस परमात्मा से, उस वाहेगुरु से, उनके चरणों में ये प्रार्थना करते, अरदास करते हैं कि इस 22 साल के नौजवान को, दो बहनों के इकलौते भाई को अपने चरणों में स्थान दें, इनकी आत्मा को शांति दें और हमें इतनी ताकत दें कि हम आज ये संकल्प ले सकें कि जिन मांगों के लिए हमारे भाई ने कुर्बानी दी, उन मांगों को पूरा कराने के लिए और शहीद शुभकरण सिंह की सोच पे मजबूती से पहरा देने के लिए हम डटे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।